नमस्कार, संडे फंडे रेसिपी में आपका स्वागत। आज हम लाए हैं आपके लिए ऐसा अंडा करी जिसे खाकर आप होटल से मंगाना भूल जाएंगे, जिसके लिए हमने 6 अंडा लिया, जीरा लिया 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, रेड चिल्ली पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, हरी धनिया बारीक कटी हुई 2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, टमाटर 2 मीडियम साइज बारीक कटे हुए, लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट बनाएंगे, 4 कांदा मीडियम साइज इसका भी हम पेस्ट बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम कांदा का पेस्ट बना लेते हैं। इसको हम मोटा मोटा काट लेंगे। अदरक को काट लेंगे, मिर्ची भी काट लेंगे, लहसुन को हम डाल देंगे। अब जार बंद कर लेंगे। ये देखिए पिसकर तैयार हो गया। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। अब मिक्सी जार में हम टमाटर को डालेंगे, टमाटर को भी पीस लेंगे। ये देखिए पिसकर तैयार। सबसे पहले हम अंडा में कट लगाएंगे। ये बहुत आसान है लगाना। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह आप देख सकते हैं इसे मिक्स करना कितना आसान है, कितना अच्छा टेस्चर आ रहा है। चलिए हम अब इसे फ्राई करते हैं अंडा को। पैन में तेल डालेंगे 2 चम्मच। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें 1 अंडे करके डाल देंगे। और इसे कलछुल से चलाते रहेंगे। इसे फ्राई करना बहुत आसान है और हमें दोस्तों ज्यादा नहीं फ्राई करना। ये देखिए फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। बचे हुए ही तेल में हम कड़ी पत्ता डालेंगे और दालचीनी डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे। अब इसे अच्छे से हम चलाते हुए 5 मिनट तक ओनियन पेस्ट को पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है दोस्तों। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छे से चलाते हुए इसे भी 5-6 मिनट तक पकाएंगे। आप देख रहे हैं अब तेल छोड़ रहा है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। धनिया पाउडर आधा चम्मच, रेड चिल्ली पाउडर आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, कश्मीरी मिर्च आधा चम्मच, भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। हम पहले अंडे में नमक डाल दिए थे, इसलिए इसमें हमें समझ के डालना है। अब इसे हम अच्छे से चलाएंगे और 2-3 मिनट तक पकाएंगे।
अब मसाला तेल छोड़ना चालू कर दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा है। अभी हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। अब ये सही है, बिल्कुल होटल जैसा। अब हम इसमें अंडा डाल देंगे। ये बिल्कुल होटल जैसा अंडा करी बन रहा है दोस्तों, होटल में इसी तरह बनाया जाता है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट तक पका देंगे। 10 मिनट हो गया है दोस्तों, अब हम इसे चला के देख लेते हैं। ये देखिए गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये कितना देखने में अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल होटल जैसे बनकर तैयार हो गया। आप इसे अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट संडे हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ खाएं, स्वस्थ खिलाएं, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।